अब देखिए, आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, जिस तरह लाइन इंटीग्रल निकाला था, सरफेस इंटीग्रल निकाला था, उसी तरह वॉल्यूम इंटीग्रल है। यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल की बात हो रही होगी। इसको निकालने का भी क्या मेथड होगा, कोई आपके पास एक इन जनरल रीजन आर है जिसका आपने वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। आपने उसको एक स्मॉल पार्ट उसका ले लिया है जिसको आपने डेल आर के का नेम दे दिया है। उस स्मॉल पार्ट पर आपने एक पॉइंट ले लेना है पी के, और उसके ऊपर रिस्पेक्ट से एक वैक्टर के बारे में बताना है। पहले तो या तो आप उसके ऊपर टेंजेंट वैक्टर ड्रॉ कर लेते थे या नॉर्मल वैक्टर ड्रॉ कर लेते थे। अब वॉल्यूम इंटीग्रल की बात हो रही है, वॉल्यूम इंटीग्रल में एक टाइम में तीनों वेक्टर्स को डील किया जाता है, इसलिए यहां पे आप लोग टेंजेंट या नॉर्मल की जगह पे डेल वी यूज करते हो। डेल वी बेसिकली क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम होता है जो किसके इक्वल होता है, डीएक्स डीवाई डीजी, यानी कि अभी तीनों डायरेक्शन को साथ डिस्कस करेगा। आपने जस्ट अपनी वर्डिंग में बता देना कि आपने कोई भी एक रीजन लिया था, उसका एक छोटा पार्ट ले लिया, आपने सब रीजन जिसे डेल आर के का नाम दे दिया, उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया। अब उस पॉइंट के ऊपर से जो वैक्टर लिया उसके रिस्पेक्ट से आप फॉर्मूला बनाओगे, फिर उस पर समीशन अप्लाई कर दोगे, लिमिट अप्लाई कर दोगे और इन जनरल बता दोगे। तो देखें, आपने यही बता दिया, आपने जो वैक्टर लिया था जब इसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला बनाना है, तो कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर इनटू आपके पास आ जाएगा डेल वी के, क्योंकि डेल वी के बेसिकली वॉल्यूम है जो आपके पास हर रीजन के हर एक्सिस को डिनोट कर रहा है। एक अगर पार्ट के लिए बात करते तो जस्ट ये वाली चीज़ आनी थी, लेकिन हमने इन जनरल सारे के सारे पार्ट्स के लिए बात करनी है, तो समीशन वन से के फ्रॉम वन टू एन अप्लाई कर दिया। सेम पिछले स्टेप्स की तरह समीशन अप्लाई करने के बाद आपने लिमिट अप्लाई कर दी। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, समीशन लिमिट के साथ इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम की बात हो रही है तो ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, और जो डेल होता है वो इंटीग्रल अप्लाई करने से डी में चेंज हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो ये चीज़ बन जाएगी, ट्रिपल इंटीग्रल ए इंटू डी वी। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा वो तीन कंपोनेंट्स पे एग्जिस्ट करेगा, ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, और जो डी वी होगा वो भी तीन कंपोनेंट्स में होगा, डी एक्स डी वाई डी जी। ठीक है, यानी तीन वेक्टर्स को डिस्कस करना है। अगर हम इसके फॉर्मूले को ओपन करके लिखें इन जर्नल, तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, आई इंटू तीनों ट्रिपल इंटाइग्रल ए वन डी वी, यानी कि देखें अगर डी वी को इंटाइग्रल को इसे मल्टीप्लाई करें, प्लस जे ट्रिपल इंटीग्रल ए टू डी वी प्लस के ट्रिपल इंटीग्रल ए थ्री डी वी। ये इसका इन जनरल फॉर्मूला है। अगर हम सिंपल ए वेक्टर की डी वी के साथ प्रोडक्ट लें, अगर फाइव फंक्शन आ जाता है तब भी इसका फॉर्मूला यही रहेगा, फ़र्क ये आएगा वहाँ पे डी वी जो है वो डी एक्स डी वाई डी जेड में चेंज होगा। बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को आप कर लो, वहाँ पे डी वी की यही वैल्यू होगी, ये तीनों एक्सिस को डिनोट करता है। सिमिलरली आपके पास ये सिंपल इस केस में भी आ सकता है कि अगर आपको फाई की वैल्यू वन दे दी जाए, उसके रिस्पेक्ट से कहा जाए आप इसके रीजन कैलकुलेट करो, यानी कि आपके पास कोई भी सिचुएशन दे दी जा सकती है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 13 है बच्चों, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर आपको ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करने का कहा हुआ है। इन जनरल आर की बात हो रही है, और आर आपको पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक पोजीशन वेक्टर होता है। डी वी की वैल्यू मैंने बता दी कि ये डी एक्स डी वाई डी जी के इक्वल होता है। डी एक्स डी वाई डी जी रखिए, हमेशा सीक्वेंस यही रखने की कोशिश करनी है कि एक्स वाई जेड से स्टार्ट हो रहा हो। जेड है तो जेड की लिमिट लगानी है, वाई की लिमिट लगानी है, एक्स की लिमिट लगानी है। अब कुछ की लिमिट्स तो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, जैसे देखें जेड की लिमिट बताई हुई है एक्स स्क्वायर से 4 है, तो जेड की लिमिट एक्स स्क्वायर से 4 ले लोगे। वाई की लिमिट बताई हुई है 0 टू 6 है, तो 0 टू 6 ले लोगे। एक्स की एक लिमिट 0 बताई हुई है, दूसरी लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखें एक्स की एक लिमिट 0 बताई हुई है, यहां से हम एक्स की दूसरी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। जेड की दूसरी वैल्यू 4 दी है, अगर मैं यहां पे पुट करूं तो यहां से एक्स की दूसरी लिमिट आ जाएगी 2। तो आपने एक्स की अपर और लोअर लिमिट यहां पे पुट की, उसके बाद 1/1 फर्स्ट को इंटीग्रल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आई वाली टर्म अलग कर ली, प्लस जे वाली टर्म कर ली, प्लस के वाली टर्म कर ली, फिर 1/1 आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। एक एक इंटीग्रेशन लेते जाओगे, अपर लोअर लिमिट पुट करते जाओगे, तो आफ्टर दी सिंप्लीफिकेशन आपका जो आंसर आएगा 24i प्लस 96j प्लस 384 ओवर 5 की आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आज का लेक्चर आप लोग सुने, जस्ट आपको तीन एग्जांपल्स और एक वॉल्यूम इंटीग्रल का टॉपिक करवाया है। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बता दें, हम वो डिस्कस कर लेते हैं।